हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। एक अंकल ने हमें कमेंट्स किया था, मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन भी अच्छा नहीं था और अच्छे वीडियो भी नहीं बन पाते थे क्योंकि फ़ोन रख के मेरे पास रखने का भी कुछ नहीं था, तो इस वजह से मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनती थी। फिर मुझे एक अंकल ने कमेंट्स किया कि बेटा तुम मतलब बहुत कह सकते हैं बहुत हिम्मत मिली उनके उनके मैसेज से, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो डालूँगी। और फिर आज मैंने सोचा मैं वीडियो बनाती हूँ। और उनका नाम नहीं पता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उनको मैं फिर से थैंक यू बोल रही हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा मतलब होता है ना सपोर्ट करें थोड़ा सा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो, जब आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते हो तो लगता है कि हाँ ठीक है। उस दिन मैंने बोला था कि मैं एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ, तो वो ये है कि मेरा जो YouTube का चैनल है वो 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे, तो इसलिए मैं खुश थी। मेरे पास दो फ़ोन नहीं है कि मैं दिखा सकूँ, एक ही फ़ोन है वो भी टूटा फूटा सा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 1000 सब्सक्राइबर 3 दिन पहले ही हो गए हैं, अभी तो करीब 1300 सब्सक्राइबर होंगे। हाँ, 1300 सब्सक्राइबर होंगे। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ ड्रेस है जो सेम स्टिच थे और हमने उसको सही से स्टिच किया, तो मैं दिखाती हूँ। ये इलाहाबाद प्रयागराज के मंजुला है, वहाँ की है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग बताइएगा, और अगर आप लोग को कपड़े विजिट कर रहे हैं तो वहाँ चाहिए, वहाँ बहुत मतलब अच्छे रेंज में अच्छे कपड़े मिल जाते हैं और फैंसी रहते हैं, तो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप लोग इंडो वेस्टर्न वेस्टर्न साड़ी सूट कुछ भी चाहते हैं तो आप प्लीज़ एक बार मंजुला जाके विजिट करें। मैं भी वहाँ से कपड़े लेती हूँ तो वहाँ कपड़े अच्छे मिलते हैं। और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। प्लीज़ चैनल को पूरा देखिएगा, वीडियो कहीं भी मिस करके मत देखिएगा, नहीं कोई ड्रेस छूट जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग, तो मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को ड्रेस। तो ये हमारी पहली ड्रेस है, ये स्कर्ट है, अपने फोन को पहले पीछे कर दूँ। तो ये स्कर्ट है हमारी, आप लोगों ने देखी है, बहुत सुंदर है ये स्कर्ट है। और ये इसका ब्लाउज है, वो स्कर्ट और ये ब्लाउज साथ में है। ये फ्रंट है, सॉरी ये फ्रंट है, ये फ्रंट है और ये बैक है, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे खुला। पीछे बैगलेस है, सिर्फ नेट लगे हुए हैं, पीछे जिप है और स्ट्रैप वाले हैं। ये हैंड वर्क है, आप लोग को दिखाती हूँ मैं, ये हैंड वर्क है पूरा काम। ये मंजुला का ही ड्रेस है और ये वही अराउंड 4000 का है, ये 4000 का ड्रेस है। अब लेस होता है कि नहीं पता नहीं, इसमें लेस हुआ है कि नहीं, कभी कभी 10% होता है, कभी कभी 5% या 10%। तो ये मंजुला का है, ये 4000 का है, क्रॉप टॉप और स्कर्ट, इसमें दुपट्टा भी है पर दुपट्टा मेरे पास नहीं है, कस्टमर का है दुपट्टा, फ्रिल वाले हैं नेट के, बहुत खूबसूरत दुपट्टा है। तो ये ड्रेस ये है मंजुला का,
टन टन एक ये गाउन है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्रिटी है, ये बहुत खूबसूरत है। ऊपर ऐसे है, इसमें स्लीव नहीं थी, स्लीव का कपड़ा था, और ये जो है ये कमर की बेल्ट थी, ये कमर की बेल्ट थी तो इसको मैंने काट के आस्तीन पे लगा दिया था। और ये ऐसी ड्रेस है सेडेड, ये बहुत लंबी थी, तो ये दूसरी ड्रेस है। और इसका बैग ऐसे, ये भी अराउंड 35 या 32 ऐसे कुछ है, 32,000 या सॉरी 30,200 ऐसे कुछ है। इसका मैंने बिल निकाल दिया था, तो ये भी मंजुला का है। और ये प्योर, ये कपड़ा प्योर सिल्क है, ये सिल्क है, जॉर्जेट नहीं है, सिल्क है। तो ये बहुत अच्छा कपड़ा है, डाइवल है, ये शेडेड है 3 कलर में, ये हाफ वाइट है, येलो लाइट येलो है, फिर ये डार्क येलो है। तो ये भी बहुत खूबसूरत, इसके साथ भी नेट का दुपट्टा है पतला सा, तो ये भी सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसका दुपट्टा भी मैं इसका खूबसूरत सा दुपट्टा है छोटा सा, ये अराउंड ऐसे नेट है, और ये ऐसे है, ये ऐसे गले में रहेगा। तो ये ऐसे ऐसी कमर की बेल्ट थी जो मैंने निकाल के हाथ पे लगा दिया, तो ये भी अच्छा ही है, दुपट्टा भी अच्छा है, और ये गाउन तो अच्छा ही है। एक गाउन और है, और भी कपड़े थे जो मैंने पहले कस्टमर को दे दिए। ये हमारा तीसरा ड्रेस है, और ये बहुत 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 प्रिटी है, हमें ये बहुत सुंदर है। ये लगा हुआ नहीं था, ये मैंने लगाया है, ये नेवी ब्लू कलर का है, और ये ऐसे है कुछ, तो ये भी बहुत लंबा था तो मैंने नीचे से काट के छोटा किया। और ये इसका श्रग है, श्रग बहुत खूबसूरत है, मैं श्रग लगा के कोशिश करती हूँ कि मैं लगा के दिखाऊँ, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, अकेले नहीं हो पाते हैं। अभी मैं हैंगर में भी लगा के कोशिश करूँ दिखाने की, शायद हो जाए। ये कुछ ऐसे करें, इसकी बाजू है, ये इसकी बाजू है, बहुत खूबसूरत है। तो हम चले गए थे, थोड़ा मेरी बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी, तो ये वाली ड्रेस है जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, ये इसका भी टैग मैंने निकाल दिया, तो ये भी नहीं पता कितने का, पर ये भी इसकी जैकेट बहुत लंबी थी, बहुत मतलब मैंने इसमें से 10 इंच कपड़े निकाले हैं, यहाँ से कमर पर से, यहाँ से फिर निकाल के, तो ये प्लेन था, तो उन्होंने बोला था कि हमें ये चीज़ यहाँ चाहिए, ये मैंने लगाया था, ये देखिए, ये 8-9 इंच का कपड़ा, इतना मैंने काट के निकाला था, तो ये बहुत लंबा था ये जैकेट, ये बहुत खूबसूरत थी। पहन के टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे काम है, नहीं तो मैं पहन के दिखाती। इसका श्रग ही कैसे दिखाऊं आप लोगों को, ये देखिए, काश 4 हाथ होते। ये कुछ ऐसा है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, ये इसका काम बहुत खूबसूरत है, तो नीचे सेडेड है।
बहुत खूबसूरत है। इसमें दुपट्टा नहीं है, ये इंडो वेस्टर्न ड्रेस है तो इसमें दुपट्टे नहीं हैं। और एक ये कुर्ता है, और भी कपड़े हैं पर ये बाहर निकले थे इसलिए मैंने दिखा दिया। ये कुर्ता है, ये हैंड वर्क है, ये बहुत महंगा सूट है। ये मदन का है, मदन सिविल लाइंस में है, मदन वुमेंस मदन मेंस, तो ये वहाँ का सूट है। ये अराउंड 10,000 का है, इससे ज़्यादा ही। इसके नीचे गरारा है, इसकी स्लीव भी पूरी हैंड वर्क। ये 10-12 हज़ार की ड्रेस थी क्योंकि टैग इसमें भी मैंने ही निकाला था, इसमें सिर्फ साइज लिखा हुआ था, दाम नहीं लिखा। दाम जिसमें लिखा था वो मैंने अराउंड निकाल दिया है। तो ये तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग को ड्रेस कैसे लगी, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और क्या बोले, हम बहुत से ड्रेसेस अभी बनाने बाकी हैं क्योंकि अब लगन चालू है। तो अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं दिखाऊंगी कि ड्रेस कैसे, कटिंग स्टिचिंग लहंगा है मेरे पास बनाने हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरी जूबी मुझे बहुत परेशान कर रही है, पता नहीं क्यों। मैंने उस दिन भी वीडियो डाला था कि बहुत म्याऊं 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 करती रहती है, खाना पीना नहीं खा रही, इसको डॉक्टर को भी दिखाने जाना है, इसी वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ। आइए दिखाती हूँ, मैंने चुनी, ये देखिए मेरी बिटिया है, छोटी सी मेरी बिटिया, मम्मा की पुतू है, मम्मा पुतू है, मम्मा खिला जाए। तो देखिए, चलिए फिर, ये सोचती है ये कहीं हमको छोड़ के जाए ना, हरदम ऐसे बैठी है। देखिए कैसे बैठी है, वैसे ही करती है। तो आप लोग प्लीज़ हमें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स ज़रूर करिए। हमने पहले भी कहा था अगर आप लोगों को हमारा चैनल नहीं अच्छा लगता फिर भी कमेंट्स करिए, अच्छा लगता है फिर भी कमेंट्स करिए, पर करिए ज़रूर प्लीज़। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे।